नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तैयारी 360 IAS। मैं हूं चांद कुमार। दोस्तों, लॉयर्स के फेवर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक और जजमेंट आ चुका है। इस जजमेंट में कहा गया है कि अगर आप अपने वकील, अपने लॉयर, अपने एडवोकेट की सर्विस से खुश नहीं भी हैं, तब भी आप उनके खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कोई मामला दर्ज नहीं कर सकते। यू कांट सू अ लॉयर इवन इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हिम और हर टू यू। अब ये क्या था पूरा मामला, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या क्या बातें कही, लॉयर्स ने अपना पक्ष किस तरीके से रखा, एंड अपोजिट पार्टी जिन्होंने लॉयर्स के खिलाफ केस किया था वो तो सुप्रीम कोर्ट में खैर प्रेजेंट ही नहीं हुए, लेकिन पूरे के पूरे मामले को आज समझेंगे और जानेंगे इस इंटरेस्टिंग केस को। इस केस की तरफ बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि तैयारी 360 IAS की तरफ से 2025 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए लाइव फाउंडेशन बैच लाया जा चुका है। अब आपको यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, दिल्ली वाली तैयारी अब आपके डिवाइस तक पहुंच रही है। आपको करना क्या है, www.tyari360.com पे जाके हमारा ये लाइव फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है। इस लाइव फाउंडेशन बैच की अगर खासियत मैं बताऊं, देखिए बहुत जल्दी यानी कि 27 मई को ये लाइव फाउंडेशन बैच शुरू होने जा रहा है। हर शाम 5 बजे आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी, एंड अगर आप इस चांद कोड को इस्तेमाल करते हैं तो ये बैच आपको 24999 में मिल जाएगा। बहुत सारे फीचर्स हैं, आप वेबसाइट जरूर विजिट करें एंड वहां पे इन फीचर्स को देखें जरूर। चलिए बात करते हैं पूरे मामले की। देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जो मामला आया उसमें प्राइमा फेसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई देखिए जो लॉयर्स होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल्स का सक्सेस जो है, प्रोफेशनल अपनी जो सर्विसेज दे रहे हैं उनका सक्सेस उनके कंट्रोल में कंप्लीटली नहीं होता। देर आर अ नंबर ऑफ आउटसाइड फैक्टर्स जो कि उनके कंट्रोल के बाहर होते हैं। इस वजह से द क्लाइंट कैन नॉट टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द लॉयर्स बाय क्लेमिंग दैट दे डिड नॉट प्रोवाइड प्रॉपर सर्विस एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मामले को समझते हैं। मामला है 2007 से जुड़ा हुआ। 2007 में एक लॉयर के खिलाफ एक केस डाला गया था। 2007 में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल जो कमीशन है, जो नेशनल लेवल बॉडी है, उन्होंने लॉयर के खिलाफ अपनी यहां पे जजमेंट दी थी और ये कहा था कि लॉयर की सर्विस की डेफिशिएंसी की वजह से क्लाइंट को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई लॉयर को करनी होगी। इसी के खिलाफ अपील पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूरी वर्डिक्ट अभी रिसेंटली दी है। अब आर्ग्यूमेंट्स के, लॉयर्स के क्या यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स रहे सुप्रीम कोर्ट में, एक बार वो जान लेते हैं। देखिए इसमें जो अपेलेंट लॉयर थे या जो एडवोकेट थे वो थे एम मतियास। इनके साथ साथ जो ओरिजिनल पटिशनर है बेसिकली, उनके साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एक्सेट्रा ने भी इस पूरे के पूरे जो कंज्यूमर फोरम का जो जजमेंट था उसके खिलाफ यहाँ पे अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश किए और ये कहा दैट लॉयर्स cannot act as a mouthpiece of their clients even after receipt of the payment from the client। ये कहा गया कि देखिए एक बार को हम ये मान भी लें कि क्लाइंट ने हमें कंप्लीट पैसा दे दिया है, फी दे दी है, लेकिन उसके बाद भी हम लॉयर्स होने के नाते ये नहीं कर सकते कि हमारे क्लाइंट ने जिस तरह से हमें कह दिया हम आंख बंद करके उसको फॉलो कर लें। इनका कहना है कि भाई देखिए लॉयर या एडवोकेट होने के नाते हमारी कुछ ड्यूटीज ऑनरेबल कोर्ट के सामने के लिए भी होती हैं और हमारी अपोजिशन पार्टी के लिए भी होती हैं। वी आर नॉट गोइंग टू गो बियॉन्ड दोज ड्यूटीज आल्सो। फॉर एग्जांपल यहां पे इन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि देखिए अगर हमारा क्लाइंट हम जो हमें फीस दे रहा है वो अगर हमें कहे कि भाई अनलॉफुल मीन्स को यूज करो, चीटिंग को यूज करो, झूठ बोलो कोर्ट में एंड गलत तरीके से सामने वाली पार्टी के खिलाफ केस जीतो, तो हम वो नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपनी ड्यूटीज गिनवाई। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो देयर इज दिस एडवोकेट्स एक्ट जो कि सभी एडवोकेट्स को गवर्न करता है, उसमें भी कई सारी ड्यूटीज का जिक्र हमें देखने को मिलता है। नाउ दीज आर द रूल्स ऑन एडवोकेट्स ड्यूटीज टुवर्ड्स कोर्ट। तो इसमें सबसे पहले एन एडवोकेट इज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन अ डिग्निफाइड मैनर, रिस्पेक्ट द कोर्ट, नॉट कम्युनिकेट इन प्राइवेट विद द जजेस। आप अपने मामले को लेकर किसी जज से प्राइवेट में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसी तरह से ये एक लॉयर की ड्यूटी होती है दैट कहीं पे भी इलीगल मैनर में आप ओपोजिशन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। साथ ही में ये आपकी ड्यूटी है दैट यू रिफ्यूज टू रिप्रेजेंट क्लाइंट हु इंसिस्ट ऑन अनफेयर प्रैक्टिस या अनफेयर मीन्स। तो यहां पर यही आर्ग्यूमेंट सबसे मेन आर्ग्यूमेंट बनता है
एडवोकेट्स का कि भाई देखिए हमारी ड्यूटीज जो है ना वो कोर्ट की तरफ भी है, हमारी ड्यूटी हमारी अपोजिशन पार्टी की तरफ भी है। ये नहीं है कि एक बार अगर हमें किसी ने फी दे दी तो हम उनकी गलत बात को भी मान लेंगे। और क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए गए यहां पे चलिए हम देख लेते हैं। तो ये एक आर्ग्यूमेंट हो गया। दूसरा इन्होंने कहा कि भाई देखिए कि दे डू नॉट हैव द कंट्रोल ओवर द मैटर्स, बिकॉज कहीं पे भी आप देखेंगे कोई भी मैटर होता है, कोई भी केस होता है, इसमें लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज काफी ज्यादा होती हैं, प्लस देर इज अ लॉट ऑफ केस लॉ। अब केस लॉ में कहीं पे भी ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, एक ही मामला होता है, उसपे किसी एक हाईकोर्ट ने कुछ कहा होता है, दूसरे हाईकोर्ट ने बिल्कुल अपोजिट जजमेंट दे दी होती है, तो ऐसे में देर इज नो ऑब्जेक्टिविटी ओनली, देर इज अ कंप्लीट सब्जेक्टिविटी। सो यहां पर भी आप जानेंगे या देखेंगे कि हमारे हाथ में सारी चीजें नहीं है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि भाई देखिए कि जो हम मामले या केस लड़ते हैं दीज आर एडवर्सेरियल इन नेचर, राइट। सो यहां पे हम क्या कर रहे हैं उसके साथ साथ अपोजिट पार्टी किस तरह की स्ट्रेटेजी अपना रही है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारे केस का रिजल्ट क्या होगा। वी नेवर नो कि अपोजिट पार्टी क्या करने वाली है या क्या प्लान करके कोर्ट में आई है। सो हमारे और सिर्फ हमारे सर्विस स्टैंडर्ड्स को जज करके आप हमें ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज अपोजिट पार्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारे केस का रिजल्ट कैसा होने वाला है। इसी के साथ साथ एक और जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दिया गया लॉयर्स के द्वारा वो ये कि देखिए चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन की बात करें या फिर किसी अन्य प्रोफेशन की बात करें, खास करके मेडिकल प्रोफेशन का उन्होंने एग्जाम्पल लेते हुए कहा कि एक पर्टिकुलर डिजीज है मान लीजिए, साइंस के हिसाब से वहां पे हम ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ये डिजीज है, इसमें ये दवाई दी जानी चाहिए थी, मिनिमम ये दवाई दी जानी चाहिए थी और इसका ये रिजल्ट होता। लेकिन ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड लीगल प्रोफेशन में सेट नहीं किया जा सकता ड्यू टू द अबव फैक्टर्स, जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉज एंड वेरियस केस लॉज एटसेट्रा। सो ये एक और यहां पर आर्ग्यूमेंट दिया गया। तो कोई स्टैंडर्ड ही जब सेट नहीं किया जा सकता तो किस बेसिस पे आप कहेंगे कि लॉयर ने अपना काम ढंग से किया या नहीं ढंग से किया। ये आर्ग्यूमेंट दिया गया, मैं नहीं कह रहा हूं यहां पे, ये आर्ग्यूमेंट दिया गया, राइट। एंड इसके साथ आखिरी जो आर्ग्यूमेंट लॉयर्स की तरफ से दिया गया वो ये कि भाई देखिए अगर किसी को हमारे खिलाफ कोई शिकायत है, किसी को अपने किसी क्लाइंट को अपने लॉयर के खिलाफ कोई दिक्कत है, परेशानी है या लगता है कि लॉयर ने गलत किया है, तो आपके पास तो बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है और वो रेमेडी ये है कि भाई आप हमारी जो बार एसोसिएशन है उसके खिलाफ हमारी शिकायत लेके जा सकते हैं। देयर इज दिस देयर आर वेरियस प्रोविजंस अगेंस्ट द मिसकंडक्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय द लॉयर्स इन एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961 एंड बार काउंसिल भी डिसिप्लिनरी एक्शन हमारे खिलाफ यानी कि लॉयर्स के खिलाफ ले सकती है। सो देयर इज नो नीड ओनली ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट टू बी ब्रॉट इन पिक्चर, राइट। सो ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स लॉयर्स के द्वारा दिए गए। अब मैंने जैसे आपको बताया कि भाई ऑपोजिट पार्टी जो थी वो तो इस केस में आए ही नहीं, दे डिडंट अपीयर ओनली। सो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सीनियर एडवोकेट वी गिरी को एमेकस क्यूरे के रूप में अपॉइंट किया, सो दैट जो सामने वाली पार्टी आकर अपना स्टैंड पॉइंट रखती या न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट रखने के लिए आप यूं कह लीजिए कि एमेकस क्यूरे को अपॉइंट किया गया। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखिए भाई दो कैटेगरीज में हम लॉयर्स को डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी वो जो कि क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं एंड दे एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द क्लाइंट। नाउ कहते जी समवन हु एक्ट्स एज एन एक्सटेंशन ऑफ द क्लाइंट आउटसाइड द सर्विस प्रोवाइडर्स कंज्यूमर रिलेशनशिप इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डज नॉट अप्लाई। तो अगर आप अपने अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में, आपके ऊपर कहते जी नहीं अप्लाई होना चाहिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन देयर इज दिस सेकंड कैटेगरी ऑफ लॉयर्स, कहते जी वो सेकंड कैटेगरी ऑफ लॉयर्स कौन सी होती है, जो कि कोर्ट में नहीं आते हैं, जो सिर्फ लीगल ओपिनियन देते हैं, ड्राफ्टिंग वर्क में हेल्प करते हैं, लिटिगेशन प्रोसेस को आउटसाइड से सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों को कहते जी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवरेज मिलनी चाहिए। लेकिन इस एडवाइस को भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना एंड अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जो वकील होते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं, उनको हम इन आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे ये कह सकते हैं, जो एडवोकेट्स ने आर्ग्यूमेंट्स दिए उनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं दैट दीज कैन नॉट बी इक्वेटेड विद अ बिजनेस और अ ट्रेड। बिजनेस या फिर ट्रेड में इकोनॉमिक इंटरेस्ट आ जाते हैं, वेयर एज वेन वी टॉक अबाउट एडवोकेट्स दीज आर द प्रोफेशनल्स एंड प्रोफेशनल्स जो है
एक साइंस के बेसिस पे, साइंस के बेसिस पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, स्टडी के बेसिस पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, राइट? एंड कंप्लीटली फैक्टर्स इनके हाथ में नहीं होते, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर आउट ऑफ द रीच ऑफ द एडवोकेट्स, जिनके बेसिस पे रिजल्ट आता है या आउटकम आता है. एंड दैट इज वाई आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एडवोकेट्स को ड्रैग नहीं कर सकते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ. तो ये था पूरा का पूरा मामला. आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा मामला समझ आया होगा. वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ना करना ना भूलें. अगले सेशन में फिर मिलेंगे एंड 27 मई शाम 5 बजे से क्लास में तो हम मिलने ही वाले हैं. थैंक यू वेरी मच.